तो जैसे ही आप डेप्थ ऑफ फील्ड मोड या एपेचर वेरी करते हैं ऑनर 7X में, ये 8MP के रेजोल्यूशन में पहुंच जाता है। तो स्लो मोशन में 640x480 यानी VGA रेजोल्यूशन 120fps में ऑनर 7X रिकॉर्ड कर रहा है, यानी रेड और पिंक के बीच डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू TYG वर्ल्ड। आज हम यहाँ ऑनर 7X और ऑनर 8 प्रो के बीच में कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो दोनों में ही आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन यहाँ डिफरेंट तरह के डुअल कैमरा सेटअप यूज हो रहे हैं। ऑनर 8 प्रो की बात करें तो यहाँ आपको 12MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी लेंस RGB सेंसर होगा, सेकेंडरी लेंस मोनोक्रोम सेंसर होगा जो कि डिटेल कैप्चर करने के काम आएगा। ऑनर 7X की बात करें तो ऑनर 7X में आपको 16+2MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें 16MP का प्राइमरी कैमरा होगा और 2MP का डेप्थ इनेबल कैमरा होगा जो कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने के काम आएगा। आउटडोर कंडीशन की फर्स्ट इमेज की बात करें तो ये मैंने प्राइमरी कैमरे का यूज करके इमेजेस कैप्चर करी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया, यानी डिटेल के मामले में बात करें या कलर रिप्रोडक्शन के मामले में। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो थोड़े सैचुरेटेड कलर हमें ऑनर 8 प्रो में दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर 8 प्रो ने यहाँ पे थोड़ा कंडीशन को मेंटेन किया है, जबकि ऑनर 7X ने यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा रख दिया, यानी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर को ज्यादा ही ग्रीन दिख रहा है। एग्जैक्ट कंडीशन की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन थी, तो उस कंडीशन को जस्टिफाई यहाँ ऑनर 8 प्रो की इमेज कर रही है। ब्राइटर बैकग्राउंड सिचुएशन में जब मैंने प्राइमरी कैमरे से इमेजेस कैप्चर करी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक रेंज बैलेंस करने में 7X को बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, जबकि ऑनर 8 प्रो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज बैलेंस करके इमेज कैप्चर कर रहा है, बैकग्राउंड की डिटेल के साथ साथ ऑब्जेक्ट की डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जब मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, बैकग्राउंड जरूर ओवर एक्सपोज हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिटेल के साथ एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस ऑनर 8 प्रो कर रहा है, जबकि 7X को यहाँ स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी डार्क इमेज यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा है। डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में जब हमने इमेजेस कैप्चर करी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनर 8 प्रो को कोई प्रॉब्लम नहीं की कलर रिप्रोडक्शन हो गया या फिर डिटेल की बात करें, लेकिन 7X को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ी फेड इमेज यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा है। जब हमने डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी सेम पोजीशन से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम रिजल्ट सामने आ रहा है, यानी थोड़ी फेड इमेज यहाँ पे ऑनर 7X रिप्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ऑनर 8 प्रो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद जब हमने सिचुएशन चेंज कर दी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी कैमरे से ऑनर 8 प्रो को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जबकि ऑनर 7X यहाँ ज्यादा क्रिएट डिटेल और साथ में कलर रिप्रोडक्शन की बात करो तो कलर रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंस देख सकते हैं। रेड कलर को थोड़ा पिंक टोन में रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑनर 7X, लेकिन डिटेल के साथ यहाँ ज्यादा अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहा है ऑनर 7X। जब मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों को प्रॉब्लम तो नहीं गई इमेजेस कैप्चर करने में, यानी यहाँ पे डिटेल दोनों ने अच्छी कैप्चर करी है, लेकिन अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूँ तो ये डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की इमेज है, यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट कलर ऑनर 8 प्रो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ऑनर 7X को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा अपने ब्लू स्टोन के साथ, यानी थोड़ा ब्लू स्टोन के साथ सैचुरेटेड कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर 8 प्रो को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने येलो स्टैंड के साथ साथ में। ये डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की इमेज जरूर थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा येलो स्टैंड दिख रहा है, और डिटेल की बात करें तो डिटेल ज्यादा कैप्चर यहाँ पे ऑनर 7X ने करी है, यानी इस सिचुएशन में ऑनर 7X ने ज्यादा अच्छी इमेज कैप्चर करी है। अब हम इवनिंग या फिर शाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यानी यहाँ लाइटिंग सिचुएशन अब आइडियल नहीं रह जाएंगी दोनों मोबाइलों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड मोड में जब मैंने इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे दोनों ने वर्क अच्छा किया, लेकिन कंपैरिजन वाइज देखें तो थोड़ी फेड इमेज ऑनर 7X की लग रही है, जबकि ऑनर 8 प्रो यहाँ ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ बात करें कलर एक्यूरेसी की तो कलर एक्यूरेसी भी ऑनर 8 प्रो की ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं रेड कलर को थोड़ा पिंक टोन में रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑनर 7X, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी कैमरे का यूज करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया, डिटेल के साथ साथ दोनों ने कलर एक्यूरेसी सिमिलर रखी है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज की बात करें जब मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज, थोड़ी फेड हो रही है ऑनर 7X की इमेज, जबकि ऑनर 8 प्रो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप यहाँ कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किसकी इमेजेस ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हमने हार्ड सिचुएशन बनाई है दोनों मोबाइलों के सामने और इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज बैलेंस करना था, ब्राइटर बैकग्राउंड सिचुएशन था, और हमने जिस कंडीशन में या जिस सिचुएशन से इमेजेस कैप्चर करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर 8 प्रो ने ज्यादा अच्छा वर्क किया। अगर मैं इसे जूम करके भी दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर 8 प्रो ने ज्यादा डिटेल कैप्चर करी है, कलर एक्यूरेसी भी ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर मैं यहाँ ऑनर 7X की बात करूँ तो ऑनर 7X को यहाँ ऑनर 8 प्रो के मुकाबले स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, लेकिन ऑनर 7X ने भी यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अच्छा वर्क किया है। अगर हम यहाँ रेजोल्यूशन के डिफरेंस की बात करें तो जब हम
प्राइमरी कैमरे से इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। यानी 3456x4608 का रेजोल्यूशन हमें Honor 7X दे रहा है, 2976x3968 का रेजोल्यूशन हमें दे रहा है Honor 8 Pro। लेकिन जैसे ही हम डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करते हैं तो हमें Honor 7X में जो रेजोल्यूशन मिलता है वो कुछ इस तरह का रहता है, 3264x2448। यानी यहाँ पे रेजोल्यूशन कम हो चुका है, यानी इमेज साइज छोटी हो चुकी है। लेकिन Honor 8 Pro में हमें सिमिलर इमेज साइज मिल रही है जो कि हमें प्राइमरी कैमरे से मिल रही थी। यानी कुछ इस तरह का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। दोनों ही मोबाइल में आपको वाइड अपेचर का ऑप्शन मिलता है इमेजेस में, यानी आप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन Honor 8 Pro में आपको वीडियो में भी अपेचर कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यानी आप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करके वीडियो फुटेज भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ अपेचर कंट्रोल करता हूँ वीडियो फुटेज में, ये ऑटोमेटिक 720p रेजोल्यूशन में पहुंच जाता है। अब हम यहाँ पे मैक्रो मोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। मैक्रो मोड की अगर हम अपनी फर्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल दोनों ने लगभग सिमिलर कैप्चर करी है। जो डिफरेंस है वो है आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन का। कलर रिप्रोडक्शन में 7X थोड़ी कूलर साइड है, जबकि Honor 8 Pro यहाँ एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की इमेज थी। हमने और इमेजेस भी कैप्चर करी सेम सिचुएशन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। यानी डिटेल कैप्चर करने में दोनों को प्रॉब्लम नहीं जा रही, बस कलर रिप्रोडक्शन का इशू यहाँ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे येलो कलर को डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में रिप्रोड्यूस करना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Honor 8 Pro ने थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा रखा है, जबकि 7X ने यहाँ एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। और डिटेल की बात करूँ तो डिटेल दोनों ने सिमिलर कैप्चर करी कि डिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही दोनों मोबाइलों को। अगर मैं नेक्स्ट इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन सेम थी। यहाँ पे Honor 8 Pro ने एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस किया, 7X ने थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा कर दिया येलो कलर का। और डिटेल की बात करूँ तो डिटेल दोनों ने सिमिलर कैप्चर करी है। ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जब ज़्यादा कलर डिफरेंस नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसकी एक्यूरेट डिटेल कैप्चर करना थोड़ा टफ टास्क होता है किसी भी मोबाइल के लिए। तो आप देख सकते हैं Honor 7X को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जबकि Honor 8 Pro यहाँ पे एक्यूरेट इमेज कैप्चर कर रहा है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले जब बैकग्राउंड में डिटेल ज़्यादा होती है तो यहाँ ऑब्जेक्ट को फोकस करने में मोबाइलों को बहुत प्रॉब्लम जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं Honor 8 Pro और Honor 7X दोनों ने ही यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल कैप्चर करी और फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई यहाँ पे। तो आप यहाँ कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किसकी इमेजेस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया है, यानी आप देख सकते हैं दोनों को प्रॉब्लम नहीं गई है इमेजेस कैप्चर करने में, डिटेल कैप्चर करने में और कलर रिप्रोडक्शन में। अब हम यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस टेस्ट या फिर एक्सपोजर कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर हम यहाँ अपने फर्स्ट इमेज की बात करें डायनेमिक रेंज बैलेंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Honor 8 Pro को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जबकि Honor 7X यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस करके ज़्यादा अच्छी इमेज कैप्चर कर रहा है। डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके जब मैंने दोनों ही मोबाइल से इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज बैलेंस करने में Honor 8 Pro को कोई प्रॉब्लम नहीं गई, साथ में परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहा है। और Honor 7X की बात करें तो Honor 7X ने यहाँ पे इमेज को थोड़ी फेड कर दिया, यानी कि आप देख सकते हैं फेड इमेज यहाँ Honor 7X की लग रही है। साथ में कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं रेड कलर को थोड़ा पिंक टोन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं Honor 7X। नेक्स्ट सिचुएशन की अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं कि Honor 8 Pro को यहाँ सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है उसकी पावरफुल हार्डवेयर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉट परफेक्ट कैप्चर किया Honor 8 Pro ने, साथ में डायनेमिक रेंज बैलेंस करके रखा है। लेकिन Honor 7X की बात करें तो Honor 7X ने यहाँ पे उतनी अच्छी इमेज कैप्चर नहीं कर पाया, ऑब्जेक्ट भी ब्लर हो गया और डायनेमिक रेंज भी बैलेंस नहीं कर पाया है। अगर हम अपने नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस करके कलर एक्यूरेट रिप्रोड्यूस करना था। Honor 8 Pro ने यहाँ पे कलर एक्यूरेट रिप्रोड्यूस किया और डायनेमिक रेंज भी बैलेंस करके रखी है। अगर हम Honor 7X की बात करें तो Honor 7X ने यहाँ डायनेमिक रेंज तो बैलेंस करी लेकिन कलर एक्यूरेट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, आप डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने प्राइमरी कैमरे का यूज़ करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ ऑब्जेक्ट की डिटेल दोनों ही कैप्चर नहीं कर पाए हैं। अगर कंपैरिजन वाइज देखें तो Honor 8 Pro ने थोड़ी ज़्यादा डिटेल कैप्चर करी है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें डायनेमिक रेंज की तो पीछे आप देख सकते हैं स्काई में क्लाउड का शेप आपको Honor 7X में दिख रहा है, लेकिन Honor 8 Pro ने उसे ओवर एक्सपोज कर दिया है। और जब हमने डेप्थ ऑफ फील्ड मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया है। कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किस मोबाइल की इमेजेस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं।
कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहां Honor 8 Pro को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आप देख सकते हैं कुछ वॉशआउट इमेज यहाँ कैप्चर कर रहा है, चाहे प्राइमरी लेंस की हो या फिर हम जब डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हो, जबकि Honor 7X यहाँ ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। कंपैरिजन वाइज अगर यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं Honor 8 Pro ने यहाँ ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस करा और डिटेल भी ज्यादा कैप्चर करी, जबकि 7X ने यहाँ थोड़ी इमेज को फेड कर दिया और डार्क इमेज कैप्चर कर रहा है मेन ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस एक्सपोजर कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही मोबाइल से। तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो सेम चीज़ है, कलर रिप्रोडक्शन का डिफरेंस दिख रहा है। Honor 8 Pro एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है जबकि 7X में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। और अगर एक्सपोजर कंट्रोल की बात करूँ तो मोबाइल में मुझे नहीं दिख रहा ज़्यादा डिफरेंस, दोनों ही सिमिलर वर्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। कलर रिप्रोडक्शन के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो Honor 7X को रेड कलर को रिप्रोड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज से ये प्रॉब्लम दिख रही है कि रेड कलर को वो पिंक टोन में रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर पिंक कलर में रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी रेड और पिंक के बीच डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस यहाँ मैंने कैप्चर करी तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी, रेड और पिंक कलर एक साथ थे, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है Honor 7X, जबकि Honor 8 Pro यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन ज्यादा रख के एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। आप देख सकते हैं Honor 7X यहाँ पे थोड़ी फेड इमेज रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कलर थोड़े फेड हो चुके हैं, जबकि Honor 8 Pro यहाँ थोड़े सैचुरेटेड कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है लेकिन क्लोज टू नेचुरल है। मैं बोलूंगा Honor 8 Pro यहाँ ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, डिटेल हो या कलर रिप्रोडक्शन हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई यहाँ दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया कलर रिप्रोडक्शन में या फिर डिटेल में। अब हम यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रेड के साथ डिफरेंट कलर को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन पे मुझे ज़्यादा एक्यूरेट कलर यहाँ पे दिख रहे हैं Honor 8 Pro में। देख सकते हैं आप यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है Honor 8 Pro, जबकि Honor 7X को यहाँ बहुत प्रॉब्लम जा रही है। अब हम यहाँ लो लाइट कंडीशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लो लाइट कंडीशन टेस्ट की अगर हम अपनी फर्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में इमेजेस कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। आप देख सकते हैं प्राइमरी कैमरे का मैंने यहाँ यूज किया था और मैक्रो शॉट लेने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे दोनों ने लगभग सिमिलर वर्क किया है। तो आप यहाँ कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किसकी इमेजेस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में जब हमने इमेजेस कैप्चर करी प्राइमरी कैमरे से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Honor 7X को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की डिटेल कैप्चर करने में, और Honor 8 Pro यहाँ पे ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है। कलर रिप्रोडक्शन का इशू तो है लेकिन डिटेल यहाँ ज्यादा Honor 8 Pro रिप्रोड्यूस कर रहा है। और जब हमने फ्लैश मोड ऑन करके इमेजेस कैप्चर करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Honor 7X को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कुछ इमेजेस में, कुछ इमेजेस उसने अच्छी कैप्चर करी है, तो मैं बोलूंगा कि फ्लैश मोड में थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट रहा, जबकि Honor 8 Pro ने यहाँ पे बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर करी है। दोनों में ही आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। Honor 7X में आपको 640x480 यानी VGA रेजोल्यूशन में 120fps के साथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, जबकि Honor 8 Pro में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, HD यानी 720p या फुल HD यानी 1080p, दोनों में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है। जब आप फुल HD में बनाते हैं तो आपको 120fps मिलता है और जब आप HD में बनाते हैं तो आपको 240fps के साथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। अब हम यहाँ पे फ्रंट कैमरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे।
दोनों में ही आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है और दोनों ही बहुत अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर की बात करूँ तो Honor 10X में आप बुके इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। जी हाँ, बुके इफेक्ट यानी पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड से सिंगल कैमरे से डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह की इमेजेस आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल इमेजेस, और जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से Honor 10X की तो कुछ इस तरह से आ रही है। कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किसकी इमेजेस यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं।